फाइनल के अंदर जो सारे नियम लागू होंगे डू और डाई क्वार्टर फाइनल मैच लाइट वाले मेरे साथ रूपनगर बाबा चडावटा लाइट चालू रखे और जहाँ कमी है वहाँ पूर्ति करें। शुएब भाई उधर दोनों कोने में सुबह पोल लगे हुए थे और आपसे रूपनगर का रेडर कहा गया भाई पोल रहने दिया जाए तो वो पोल लगाए वापस रेड मारते हुए आरिफ देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छी रेडर है लाइट वाले रिजवान जा गए वो ग्राउंड में एक बार संपर्क करें रूपनगर का क्राउड में रेड मारते हुए कोर्ट नंबर एक का मैच समाप्त हो गया है। वन पॉइंट टीएन सोमलपुर कोर्ट नंबर एक पे पहुंचे विजेता टीम यही रहेगी कोर्ट नंबर एक पे ही कोर्ट नंबर एक की विजेता टीम यही रहेगी। टीएन सोमलपुर कोर्ट नंबर एक पे पहुंचे पहला सेमीफाइनल मैच जो जीत क्यों है बनाज में नंद दे दिया तो क्योंकि मारा लाइव तो चाल ही नेट है नेट आई नहीं बन मारी ना नेट नहीं वो बंद की जरूरत है ना पड़े गाड़ी ना चला नेट है सब नहीं नहीं ये बारे की जमा चुनो लेर जा अनके रिक्स मत ले मजाक में गाबो खुलवाए दो बस मजाक भी तो कर ले वन पॉइंट जगमालपुरा और ये शेरू देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छे रेडर सीनियर प्लेयर रूपनगर की टीम के इसाक 7 नंबर जर्सी में और इधर जगमालपुरा और ये निजामुद्दीन देखते हैं अपन टीम के लिए क्या करते हैं। जामा अभी तेज राग ला रिजवान ने जामा नहीं जगमालपुरा टीम के लिए शाहबुद्दीन का सरपंच की तरफ से 100 रुपए का उसी के अनुसार टीम प्रदर्शन करती हुई और ये टाइम आउट ले रहे हैं रूपनगर की टीम से टाइम आउट दिया जाए एक लाइट वाले भाई साहब यहाँ कहीं भी हो कहा है भाई साहब लाइट वाले यहाँ आए मैदान नंबर एक पे टाइमर लगेगा जो टीम जीती है वो वही है उनका सेमीफाइनल होगा टीएन सोमलपुर से। पहले बता दिया था आप ग्राउंड से बाहर नहीं जाए रमेश भाई कोहिनूर बैटरी की तरफ से जगमालपुरा आ रहे हैं जीते 100 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ से हट जाओ भाई बीच में से जगह छोड़ दो और भी देख रहे साइड में या फिर चलते रहे वॉलंटियर नीचे बैठ जा रहा है। राजपुरा टीम के लिए 500 रुपए की घोषणा हो रखी है अमीन कदर रिजवान घाटी रूपनगर राजपुरा टीम को अमीन कदर घाटी रूपनगर 500 रुपए मैदान नंबर एक पे लाइट वाले जो हमारे वहाँ टाइमर घड़ी लगेगी ये कनेक्शन करें और दो पोल की लाइटें और लगाए प्लीज दो पोल लगा के लाइट लगाए कैसे भी करके दोनों साइडों में रोड की तरफ लगा
एक वो कनेक्शन भी कर दो टाइमर घड़ी का, कर देगा उसको बोल दिया इलेक्ट्रिशियन और लाइट लगाएगा वहां जाकर तो ग्राउंड तैयार करे बोले क्या हरिबल के तेज भाग रहा है जीते हुए अरे भाई रिजवान तेज नहीं ला रो अरे ओ रिजवान तेज नहीं ला रो अरे स्टार रूपनगर का रेडर लाइट की पड़ी रिजवान नहीं अटलू नहीं मार बाबा रिजवान लाऊं तेज दीजिए रिजवान लाऊं तेज दीजिए और रिजवान अरे सोमलपुर नहीं हरी गया टीम सोमलपुर कौन नंबर एक पे पहुंचे टीम सोमलपुर पहला सेमीफाइनल और जसपालपुरा और रूपनगर इसमें जीतेगी वो सेमीफाइनल प्रवेश करेगी अरे वो तू जोड़े से खेलेगी घोड़ा तू वहाँ घड़ी लगेगी अब सेमीफाइनल में दिलीप टाक साहब आ रहे हैं वहाँ मैदान नंबर एक पे तो लाइट वाले भाई साहब वहाँ कनेक्शन भी कर दे और जगमालपुरा रूपनगर में घोषणा हो चुकी है जगमालपुरा टीम के लिए 500 रुपए की शाहबुद्दीन काटा सरपंच फतेहगढ़ सल्ला की तरफ से ₹100 का इनाम 500 नहीं है सॉरी ₹100 का इनाम है वो दीपू भाई के पास है ₹100 रूपनगर की टीम जीती है शकरुद्दीन कटाक रूपनगर सऊदी वाले की तरफ से ₹1100 का इनाम है जीतने पे तो टीम की हौसला अफजाई हुई है बेहतरीन तरीके से तालियां बजाएं शकरुद्दीन साहब के लिए और टीम को कोशिश करनी होगी कि वो जीत दर्ज करें जीतने पे ही है ये ₹1100 उसके बाद सेमीफाइनल मैच होगा और इसी घोषणा के साथ पॉइंट ले जाते हुए खिलाड़ी अगली जो टीम है वो तैयार है इधर दुजोड़िया पहुंच चुकी है और रूपनगर और जगमालपुरा में से जो टीम जीतती है वो यही रुके उनका सेमीफाइनल होगा दुजोड़िया से और उधर टीएम सोमलपुर का सेमीफाइनल हो रहा नाडी से तो ये पहला सेमीफाइनल आज के मैच का प्रतियोगिता का स्कोर बताते रहे रजाक साहब आपके पास कोडले से उधर सालम भाई क्वार्टर फाइनल चल रहा है रूपनगर और जगमालपुरा के मध्य 9-3 9-3 का मुकाबला 9 जगमालपुरा 3 रूपनगर 9-3 का मुकाबला अभी भी समय है कि टीम जो है अपनी वापसी करे अभी पिछड़ते हुए रूपनगर टीम ये इसके बाद सेमीफाइनल होगा दुजोड़िया वर्सेज रूपनगर या जगमालपुरा में से जो जीतती है उसका इस बात का ध्यान रखें खिलाड़ी यही रहे सालम भाई और इधर फर्स्ट सेमीफाइनल टीएन सोलमपुर ये ऑफिशियल के लिए उधर मदन साहब आप खड़ा हो जाएं मदन सिंह जी और रमजान का था ऑफिशियल आप लगेंगे और गोपाल जी बताओ कौन नंबर एक पे पहुंचे
और प्रभु जी दोनों बच्चे प्रभु सिंह जी और गोपाल जी कोर्ट नंबर 1 पे ये ऑफिशियल रहेंगे इस मैच के। ये सेमीफाइनल मैच है और उधर हमारे ऑफिशियल लगातार मैच खिला रहे हैं। आप पहुंचे हमारे शारीरिक शिक्षक प्रभु सिंह जी और गोपाल सिंह जी, उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक नंबर पे सारे मैच खिलाए हम। अच्छा मैच होगा, दोनों अच्छी टीम है, नाडी वर्सेस टीएन सोमलपुर। जाकिरिया हमारे आज के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी मेहनत करके व्यवस्था बनाई रखी मैदान में, उन्होंने गोपाल जी मैच चालू करें। गोपाल जी वर्षावत टाइमर मदन सिंह, थर्ड एंड में सलीम काटा, स्कोर और इकबाल जी, गोपाल जी और प्रभु सिंह जी। गोपाल जी मैच स्टार्ट करें। गोपाल जी मालपुरा का रेडर है, लूटने के पाले में रेड मारते हुए देखते हैं टीम के लिए क्या करते हैं। हमारे जो सुबह से ही मैच की और ग्राउंड की व्यवस्था संभाले हुए हैं, उनमें छोटू काटा इसी के साथ रेडर आउट, हवलदार रमजान काटा, शकुर काटा, छोटू नगर और ये हरित रतन सेन, हुसैन सेख और पप्पू भाई, रमजान भाई, इरफान भाई, सद्दाम खान और नियाज मोहम्मद, ये सभी कार्यकर्ता जिन्होंने सुबह ग्राउंड तैयार करने से लेकर अभी तक अच्छी व्यवस्था दी। और फिर से हाफ टाइम बाद चालू, रेड आ रही, रेड मारते हुए देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बाहर लाइन आ चुकी है, अभी ये जो मैच चल रहा है इसमें आप बहस नहीं करें, कोई बात नहीं, हाथ नहीं लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वेवे आरिफ पालन करें, आरिफ कोई बात नहीं, किसी दो भी देवे आरिफ कोई बात नहीं, बेहतर है और वन पॉइंट इसी के साथ अच्छा मैच होगा जगमालपुरा रूपनगर के बीच में। और ये रूपनगर अभी दो पॉइंट की बढ़त की है जगमालपुरा ने बराबरी होने के बाद। मालपुरा का रेडर है, क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। ओए अजय इनके बेहतर है भैया, आरिफ मैं छेड़ू इन्हें, ओ अजरिया मैं छेड़ू, आरिफ कौन हटी दाओ, हटी दाओ आरिफ, तुम पकड़ के बड़ा जी लटिया आरिफ। बहुत अच्छा रेडर ने पाला लिया और ये टाइम आउट किया रूपनगर ने, स्कोर जब पहुंचा है क्या था। लाइट वाले हमारे जो घड़ी चल रही है उधर कनेक्शन करे, एक पोल और लगाए उधर, कैसे भी करके लाइट लगनी बहुत जरूरी है। स्कोर अभी बता रहे हैं रजा को वहां जाके, शायद 10-11 ऐसे कुछ चल रहा है, 11-11 बराबरी का स्कोर है रूपनगर जगमालपुरा में, बराबरी का स्कोर।
भाई अंपायर दे देंगे पहले आप। आप दो खिलाड़ी आउट किए हैं, देख लिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ज्यादा परेशान नहीं हो। रेडर भी ध्यान रखे, झाड़ू नहीं लगाए, पाला क्रॉस करे भाई, फिर आप लोग लड़ते हो पाला, फिर अपने को क्रॉस करना है पाला 100%। सौ रुपए की घोषणा शाहबुद्दीन कर रहा साहब, जफर साहब की तरफ से। सौ पहले हो चुकी क्या? तो 200 रुपए की घोषणा हो चुकी है जयमालपुरा के लिए। और इधर रूपनगर अगर जीतती है तो 1100 रुपए की घोषणा है शाहबुद्दीन कटा की तरफ से। किशन कटा साहब चाय पी लो, चाय के बाद में सिकंदर कटा सेदिया महासभा पदाधिकारी हमारे कानूनी सलाहकार, उनका आप माला पहना के स्वागत करें। हेलो, ये माला लाए भाई, माला देना सुरेंद्र साहब। ये हमारे किशन कटा साहब जो गांधी जी की डांग के प्रभारी अभी हमारे महासभा में, आप सिकंदर कटा सेदरिया महासभा पदाधिकारी कानूनी सलाहकार का माला पहना के स्वागत करें। शुक्रिया सिकंदर कटा साहब का पहुंचे। और भी हमारे अगर कोई अतिथि आए हुए हो तो आप लोग हमें सूचना दें, या वो हमारे अतिथि स्टेज के पास आ जाए ताकि हम उनका मान सम्मान कर सके। मैच में पूरा ध्यान होने के कारण कई बार हम चूक जाते हैं हमारे अतिथियों का सब मान सम्मान करने में, लेकिन फिर भी आप लोग भी ध्यान रखें आस पास, जो भी अगर कोई सरपंच साहब या हमारे मेहमान आते हैं बाहर से तो उनका स्वागत। रूपनगर जगमालपुरा का मैच चलता हुआ, काटे का मुकाबला। ये पब्लिक थोड़ी पीछे हो जाए और जगमालपुरा बेहतरीन तरीके से खेलती हुई रूपनगर की टीम में पूरी टीम नहीं होने के कारण पिछड़ने का आभास हो रहा है, फिर भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं जो भी खिलाड़ी हैं वो। और उनकी घोषणा भी हो रखी है 1100 रुपए की, अगर इस मैच को आप जीतते हो तो 1100 रुपए आपको दिए जाएंगे शत्रुदीन कटा साहब की तरफ। और सुपर टेकल ऑन है, टाइम आउट ले रहे हैं। उधर टीएन सोमनपुर और नाडी का मैच सेमीफाइनल मैच चलते हुए, पोल अभी तक नहीं लग पाया लाइट वाले भाई साहब, हमारे उधर एक पोल लग रहा था। आपको ये तार को आप लोग कोई छुए नहीं और इस तार को लगवाने में अपनी मदद करें, बिल्कुल ये लकड़ी का लगा हुआ है, इस पे लग रहा है ये तार। हाँ तो इसके हाथ रखे कोई, बस वहां से उजाला हो जाएगा, बड़ी एलईडी लग रही है। और हमारा फाइनल मैच भी जो है अगला सेमीफाइनल और फाइनल दो एंडा ही रहने इधर सोमनपुर में। बिल्कुल आउट होते हैं उधर, रूपनगर के दो खिलाड़ी बचे हैं और मैच लास्ट 4 मिनट में, अंतिम 4 मिनट में जा पहुंचा मैच। अंतिम समय का मैच चल रहा है कोर्ट नंबर 2 पर और 1 नंबर पे पीछे लाइट लग रही है, फिर कोर्ट नंबर 1 ही चलेगा क्योंकि लाइटें कम हो रही है। तो रूपनगर के कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा इस लाइन से, इस ग्राउंड से उधर कोई पब्लिक नहीं जाएगी, पहले ही तैयारी कर लें आप। और ये पुलिस वाले भाई साहब को अंदर लगाते हैं ताकि वो पब्लिक को दूर करेंगे एक बार, क्योंकि ये काफी बढ़िया मैच है सारे। जगमालपुरा बहुत ही बढ़िया खेल रही है, रूपनगर की टीम पूरी नहीं लग रही आज, हाथी रोधरी टीम उतरी एंड टाइम मना करते करते उतरे ये भी।
इसमें से जो जीतेगी वो दुजोड़िया से सेमीफाइनल खेलेगी, सेकंड सेमीफाइनल। सेकंड सेमीफाइनल भी कोर्ट नंबर एक पे ही होगा। एक नंबर का मैच स्टार्ट करें, ऑफिशियल ऑफिशियल मैच प्रारंभ करें। अंपायर का निर्णय रेफरी का ही अंतिम निर्णय, ध्यान रखें। तुम्हारे हाउ करने से कोई चेंज नहीं होगा। आज का हमारा ऑफिशियल पैनल जो सुबह से ही प्रतियोगिता को सुधारू रूप से बेटा कोई बात नहीं तो मिल लेते हैं हुए हैं दिलीप टा अंपायर एके एफआई सीरीजमैन थे, मदन सिंह जी हमारे बीच में एके एफआई के अंपायर, बाबर खान बलाड पुलिस विभाग से, प्रभु सिंह जी शारीरिक शिक्षक, याकूब जी, रज्जाक मोहम्मद, सलीम खान गोपाल जी शारीरिक शिक्षक, मुकेश जी रमजान काटा सुहावा, इकबाल काटा बिस्कोरा और नसीर काटा, ये सभी सुबह से लगे हुए हैं। इसके अलावा सारंग काटा जिनको भी हम मैच के बाद में सबको पारितोषिक वितरण करेंगे, उसमें एसएचओ ओम प्रकाश जी थाना रास बेहतरीन पुलिस व्यवस्था के लिए, राजेंद्र सिंह जी शेखावत एएसआई चौकी इंचार्ज बाबरा, निर्मल सिंह जी चौकी बाबरा दीवान जी, छोटू कटाथ कालीपटिया, रमजान कटाथ रूपनगर, चकूर कटाथ छोटे रूपनगर और कार्यकर्ता रतन सेन हुसैन सेन पप्पू भाई रमजान भाई उस्मान भाई सद्दाम खान। पब्लिक बाहर आइए, बाहर अंदर क्या कर रहे हो?